डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि एटम क्या होता है। सो व्हाट इज़ एटम? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर इज़ कॉल्ड एटम। एवरीथिंग अराउंड अस, लाइक द फूड वी ईट, द वाटर वी ड्रिंक, टेबल, चेयर, दिस बोर्ड, दिस मार्कर, ऑल थिंग इज़ मेड अप ऑफ मैटर। और हमारी जो बॉडी होती है, अवर बॉडी, ये भी क्या है? मैटर से बनी होती है। ठीक है, तो जितनी भी इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज कॉल्ड एटम। और एटम जो है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, और सबसे पहले जो है मैटर जो है वो फाइंड आउट किया था, ग्रीक फिलोसोफर थे जिनका नाम था डेमोक्रेटस। ग्रीक फिलोसोफर थे, इन्होंने डिस्कवर किया था कि एटम के बारे में, कि एटम क्या होता है। ठीक है, इसके बाद 19th सेंचुरी में जो है एक और साइंटिस्ट थे, जॉन डेल्टन थे। ठीक है, जॉन डेल्टन जो थे, इन्होंने एटम के बारे में और यानी स्टडी की, रिसर्च की, तो और उन्होंने फर्स्ट एटॉमिक मॉडल दिया। फर्स्ट एटॉमिक मॉडल रिप्रेजेंट किया। ठीक है, जिसे डेल्टन एटॉमिक मॉडल भी कहा जाता है। ठीक है, जिसमें अकॉर्डिंग टू डेल्टन एटॉमिक थ्योरी, ऑल मैटर कंपोज्ड ऑफ एटम। जितने भी मैटर हैं वो किससे बने होते हैं? एटम से बने होते हैं। ठीक है, थीके? और एटम्स जो है वो क्या होते हैं? एटम्स जो है, हम उनको एटम्स कैन नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ना ही हम एटम को जो है वो बना सकते हैं और ना ही उसे हम ख़त्म कर सकते हैं। ये थी डेल्टन एटॉमिक थ्योरी एटम के बारे में। ओके, नाउ वी डिस्कस स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम का स्ट्रक्चर कैसे होता है? सबसे पहले जो है वो क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। ठीक है, ये क्या है? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अराउंड एक शेल होता है। ठीक है, न्यूक्लियस जो होता है, इसके अंदर जो है, ये क्या है? न्यूक्लियस है। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर जो है वो प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, एटम से भी जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं, एटम से भी जो छोटे पार्टिकल होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस में होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा होता है। ठीक है, ओके, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसके ऊपर जो है वो कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और इसका मास जो है वो बहुत ही स्मॉल होता है, जबकि प्रोटॉन जो है उसके ऊपर जो है कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, न्यूट्रॉन हैव नो चार्ज। नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो इक्वल होते हैं।
और जबकि मास जो है वो प्रोटॉन का जो है वो मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो 1837 टाइम्स जो है वो ग्रेटर होता है, ठीक है, टाइम्स ग्रेटर होता है इलेक्ट्रॉन से। किससे ग्रेटर होता है? इलेक्ट्रॉन से। नंबर ऑफ मास, नंबर मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, ठीक है। मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो इक्वल होते हैं। अच्छा, एटम जो होते हैं वो क्या होते हैं? न्यूट्रल क्यों होते हैं? एटम जो होते हैं वो न्यूट्रल क्यों होते हैं? उनके ऊपर कोई चार्ज क्यों नहीं होता? क्योंकि पॉजिटिव, सॉरी, नेगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रिक चार्ज जो होते हैं, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, इस वजह से एटम पे कोई चार्ज नहीं होता। ओके, टेक केयर, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।